आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले कर्फ्यू प्रदेश की पहचान होते थे, लेकिन अब कांवड़ यात्रा प्रदेश की पहचान बन चुकी है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि पहले की सरकारों में नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, किसान आत्महत्या करता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। प्रदेश में सरकार ने माफिया राज की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज युवा उद्यम लगा रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब यूपी किसी की बपौती नहीं है, यहाँ रंगदारी और फिरौती नहीं मांगी जाती। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले शहदों का आतंक रहता था, बिजली नहीं आती थी। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले सरकारों को दंगा कराने से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन प्रदेश में अब शांति और कानून का राज है। सीएम योगी ने कहा कि हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हों या टैबलेट, यह हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या शहरों में भजन का प्रवाह। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है।